कौन कहता है हम YouTube चैनल मोनेटाइज नहीं कर सकते, YouTube से पैसा नहीं कमा सकते। आप देख सकते हैं हमारे साथ में कौन है, खुशी जी। कहाँ से आई है? सुल्तानपुर से आई है। पता है क्यों आई है? पता है कोई क्यों आई है? चैनल मोनेटाइज होने वाला भैया, वीडियो डाल के पैसा कमाने वाली खुशी जी सुल्तानपुर से आई है। देखो कितने सब्सक्राइबर है, 15,000 सब्सक्राइबर हो गए, 15,000। अब पैसा छापेंगी ये, है कि नहीं? देख सकते हैं खुशी जी, खुशी देखिए, खुशी नाम है और खुशी कितनी आ रही है इनको। देख सकते हैं भाई, ये भाई एक यूट्यूब पे मेहनत करने का फल है, समझे? आज से कब आई थी आज से पहले आप? 1 महीना पहले ही आई थी हमारे पास यहाँ पर, और तब इनके चैनल पर इनके हस्बैंड साथ नहीं दे रहे थे। तब आपको पता है इनका वीडियो वायरल हो गया था, तब इनका वीडियो जब हमने बनाया था। तो आज ये फिर से आई हैं और अपना चैनल 1 महीने के अंदर, मतलब कि यहाँ पर बहुत अच्छा रीच लिया है, चैनल मोनेटाइज हो गया। यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आते ये देख सकते हो अप्लाई का बटन आ चुका है। तो भैया आज की ये वीडियो इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली ना, अगर आप भी यूट्यूब पे काम करना चाहते हो, पैसे कमाना चाहते हो, तो ये वीडियो देख लेना शुरू से एंड तक। वीडियो अगर आपको पसंद है, वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा, क्योंकि हम यहाँ पर इसी तरीके की वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहते हैं। आपकी किसी भी तरीके की दिक्कत हो तो मुझे कमेंट कर सकते हो, पूछ सकते हो। हमारी ये टीम है, सादिया जी हमारी टीम में सबको बुलाती हैं, आज इनको ही बुलाया, सभी लोग बात करते हैं और इनको ही बुलाते हैं। सादिया जी ने आपको अच्छे से बात की? बहुत अच्छे से बात करती है ना, जितने बार हम हमको कभी कभी अड़का देती है। नहीं, अच्छे रिप्लाई देती है। ठीक है, देखिए सादिया जी सभी को बुलाती, भाई बहुत अच्छे, बहुत मेहनत कर रही है सादिया जी। ठीक है, इस चैनल पे जितने भी लोग आ रहे हैं ना इस टाइम, यही बुला रहे हैं, बहुत मेहनत कर रही है इस टाइम। और आप लोग ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करो, ठीक है ना? क्योंकि देखो, क्योंकि आपकी कोई प्रॉब्लम आएगी ना तो डायरेक्ट मुझसे बात नहीं कर पाओगे, मेरे पास टाइम नहीं होता। आप सादिया जी से ही बात करके आप आओगे, क्योंकि वो सबके मैसेज देखती है, कमेंट देखती है, मेरे में जो मैसेज आते हैं सबको रिप्लाई देती है। ठीक है, पूरा दिन लग जाता है उनको काम करते करते, तो भाई ज्यादा से ज्यादा उनको सपोर्ट करो। ठीक है, अब ये देखो खुशी जी का चैनल आज हम यहाँ पर मोनेटाइजेशन अप्लाई करेंगे, तो आप लोग देखिएगा डिटेल जो भी मैं भरूंगा, जिस तरीके से करूंगा सब कुछ सही से देखिएगा। ठीक है ना, वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव, वीडियो पसंद है लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा, और अभी तक का अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि हम आपके लिए ही यहाँ पर काम कर रहे हैं, आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड कुछ भी होता है हम आपका सपोर्ट करते हैं, आपकी मदद करते हैं। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर क्या है लिखा है, अभी आवेदन करें। ठीक है, पहले मैं ये नहीं करूँगा, इसको करते हैं मिनिमाइज और आते हैं क्रोम पर, क्योंकि चैनल चेक करना, क्योंकि ऐसा नहीं पहले एडसेंस बन चुका हो, कोई दिक्कत हो चुकी हो, जिससे मान लीजिए चैनल पर दिक्कत आ जाए, तो हम कोई भी रिस्क नहीं लेंगे, आपको भी रिस्क नहीं लेना। जो चीज़ें बताऊंगा, जैसे बताऊंगा वैसे करना। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिखेंगे एडसेंस। ठीक है ना, गांव में किसने बोला, बहुत लोगों ने बोला था मोनेटाइज कर देंगे, गांव में बोला था इनके कि लाओ हम मोनेटाइज कर देंगे चैनल, समझ सकते हो? तो मैडम ने कहा नहीं, हम वहीं जाके कराएंगे मोनेटाइज जहाँ से हम पहली बार गए। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हैं, अब हमने एडसेंस ओपन कर लिया, यहाँ पे क्लिक करेंगे और देखते हैं कोई एडसेंस बन तो नहीं गया धोखे से या किसी तरीके से, और साइन इन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, साइन इन पे क्लिक करेंगे और ये हमारा जीमेल है, इस पर भी कोई हमारा एडसेंस नहीं है, और ये देख लेते हैं इस पर भी हमारा कोई मतलब एडसेंस नहीं है, मतलब कि हमारे चैनल जो फ़ोन में चैनल है एकदम नीट एंड क्लीन है, फ्री है। ठीक है ना, जिसको हम मोनेटाइज कर सकते हैं इसी जीमेल से। ठीक है, अब यहाँ पर मैं एक बार जीमेल देख लेते हैं, जीमेल आखिर में कौन सा है मैडम का, यहाँ पर आते हैं, ये देख लेते हैं, हाँ 2885 वाला जीमेल है आपका। ठीक है, यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ से करते हैं अभी आवेदन करें, यहाँ पर क्लिक करेंगे, पहले वाले स्टेप पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर कुछ टर्म एंड कंडीशन आएंगे उसको एक्सेप्ट करके यहाँ पर स्वीकार कर लेंगे। ठीक है, देखिए जैसे मैं कर रहा हूँ, अब फर्स्ट स्टेप हमारा डन हो चुका है। ठीक है, देखिएगा जैसे ही देखिए ये डन हो गया, अब ये सेकेंड स्टेप आ गया और ये बोल रहा है कि आप यहाँ पर एडसेंस क्रिएट किया, अगर आपके पास पहले से कोई एडसेंस है तो आप यहाँ पर पहले वाला ऑप्शन ले सकते हैं, अगर आपके पास एडसेंस नहीं है कोई भी तो आप दूसरा वाला नंबर वाला एडसेंस दे सकते हैं। यहाँ पर लिखा है जैसे ये इंग्लिश में यहाँ पर लिख के, ये हिंदी में लिख के नहीं अभी नया खाता बनाना, तो यहाँ पर लिख केगा आई नीड टू क्रिएट वन, अगर इंग्लिश में आएगा तो ये लिख केगा आई नीड टू क्रिएट वन, या तो यहाँ हिंदी में इनके मैडम में सिलेक्ट है तो लिख कर अगर नहीं मुझे नया खाता बनाना है। ठीक है ना, तो दोनों का मतलब एक ही होता है, तो मैंने आपको दोनों ही बता दिया। ठीक है, मान लीजिए आप इंग्लिश में कर रहे हो तो आपको यहाँ पर आए तो आप सोचोगे ये क्या नई चीज़ आ गई, तभी मैंने आपको इंग्लिश में ही बता दिया आई नीड टू क्रिएट वन लिख के आएगा अगर आपका इंग्लिश में यहाँ शो हो रहा है। ठीक है, तो आगे बढ़े, यहाँ पर क्लिक करेंगे, जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, अब यहाँ से हमारा जीमेल आएगा और हमसे बोलेगा हमारा मतलब कि चैनल का पासवर्ड, पासवर्ड पता है आपको? नहीं पता है, नहीं पता, भूल गए पासवर्ड, अरे बाप रे पासवर्ड भूल गए, चलो कोई बात नहीं। अब यहाँ पर क्लिक करेंगे जो इनका 2885 वाला चैनल है, ठीक है ना, यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आप लेंगे देश कहाँ, पाकिस्तान से बांग्लादेश से आएंगे, हिंदुस्तान से, इंडिया, भारत से, तो यहाँ पर ले लेंगे भारत। ठीक है ना, यहाँ पर भारत कहाँ चला गया भाई, भारत कहाँ है भाई, भारत कहाँ है, लग रहा है इनको भेजना पड़ेगा कहीं और, नहीं भैया मंदिर नगरी से आए हैं ना,
ये देखो आ गया भारत, देखो भारत आ गया। यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर खाता सेटअप पर क्लिक करेंगे, ठीक है, मतलब कि अकाउंट सेटअप पर क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर इनका जो बेसिक डिटेल है वो हमें एंटर करना है, ठीक है। देखिएगा जैसे कि यहाँ पर लिखा है अमित राज, देखिए आधार में क्या लिखा हुआ, अमित कुमार, ठीक है ना। चलो हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर इनके चैनल का जो डिटेल है उसको चेंज करते हैं थोड़ा सा, अमित कुमार, ठीक है। आप भी देखिए जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही करना, कोई भी गलतियाँ मत करना, तो बाद में दिक्कत होगी, ठीक है ना। दिक्कत ना हो इसलिए मैं आपको हर चीज़ डिटेल से बताता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर इनके जो भी गाँव का नाम है, ठीक है, वो लिख देते हैं। ये क्या चीज़, ये नाम है इनका, इनके पापा का नाम है राम जुबेर। अच्छा चलो ठीक है, अब इनका जो गांव का नाम है वो डाल देते हैं, कपूरा, क्या नाम है, कपूरा नाम है गांव का, इसे तिरंग बजा रहे हैं। अच्छा पोस्ट यहाँ पे देखिए जैसे मैं डाल रहा हूँ एड्रेस वैसे ही आपको भी यहाँ पर एंटर करना, ठीक है, जो आपका है, यही नहीं डाल देना कॉपी करके, नहीं तो इनके पास चला जाएगा तुम्हारा एडसेंस पिन, ठीक है ना। अपना डालिएगा, वैसे मैंने हाइड कर दिया है, ठीक है ना, मैंने हाइड कर दिया है कुछ डिटेल, क्योंकि आपका जो एड्रेस है वो डालना है लाइन वन में, ठीक है ना। देखिए मैंने यहाँ पर डाल दिया लाइन वन में एड्रेस, अब यहाँ पर लिख देते हैं सुल्तानपुर है आपका, सुल्तानपुर, ठीक है, सुल्तानपुर, ये देखिए सुल्तानपुर हो गया। अब यहाँ पर डालेंगे लाइन टू में, ठीक है ना, क्या है, अमेठी, अमेठी के पास पड़ता है क्या, हाँ अमेठी, यहाँ पर आ गया उत्तर प्रदेश, ठीक है। ये देखिए मैंने यहाँ पर पूरा डिटेल डाल दिया, ठीक है। अब यहाँ पर डालेंगे इनका मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर आपको याद है, 6393, एक मिनट बोलिएगा, नहीं हम ऐसे ही डालिएगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर शो हो जाएगा तो लोग आपको फ़ोन करने लगेंगे, कहेंगे चलो इसी बार नहीं इसका नंबर तो मिल गया। ये लीजिए यहाँ पर नंबर एंटर कीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैं मोबाइल नंबर डाल रहा हूँ, आपको दिखेगा नहीं लेकिन परेशान ना होइए, ठीक है ना। ठीक है, ये मोबाइल नंबर देखिए मैंने एंटर कर दिया, क्योंकि जब भी हमारा लाइन वन जो एड्रेस होता है वहाँ पे हमें मोबाइल नंबर भी एंटर करना होता है, क्योंकि मान लीजिए जब कभी भी, हाँ चेक कर लीजिए, ठीक है। देखिए मोबाइल नंबर डालना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि मान लीजिए कभी ना कभी जब हमारा पिन आएगा तो हमें डाकिया फ़ोन कर देगा, ठीक है, इसलिए यहाँ पर लाइन वन में डालना होता है। शहर अमेठी है, सुल्तानपुर, अच्छा वो है सुल्तानपुर, ठीक है, शहर इनका है सुल्तानपुर, वो डाल दिया हमने। और यहाँ पर आते हैं 2278 06, ये पिन कोड हो गया, उत्तर प्रदेश स्टेट हो गया इनका। यहाँ पर मोबाइल नंबर, जो मोबाइल नंबर अभी हमने ऊपर कॉपी मतलब एंटर किया था वो मोबाइल नंबर, आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा प्रॉपर तरीके से जो भी एड्रेस इनका है वो मैंने प्रॉपर तरीके से डाल दी। जो पहला कॉलम है वहाँ पे नाम है तो नाम डाल दिया, लाइन वन है एड्रेस लाइन वन तो मैंने वहाँ पर लाइन वन में एड्रेस डाल दिया, मोबाइल नंबर डाल दिया, लाइन टू में जो बाकी का एड्रेस था वो डाल दिया, शहर इनका सुल्तानपुर, बाकी पिन कोड डाल दिया, उत्तर प्रदेश, मोबाइल नंबर। अब यहाँ सबमिट कर देते हैं, ठीक है ना। देखो मैंने यहाँ पर सबमिट कर दिया, अब देख सकते हो ये हमारा सबमिट हो गया। अब यहाँ पर लिख करा है रीडायरेक्ट, ठीक है, रीडायरेक्ट पे क्लिक करेंगे वैसे ही ये पहुँच जाएगा हमारे YT स्टूडियो पे। अब देख सकते हो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, जैसे ही आपका सबमिट हो जाएगी ये सारी डिटेल, कुछ इस तरीके का इंटरफेस यहाँ पर देख सकते हो, ये प्रोसेस जारी है, ठीक है। यहाँ पर लिखे यहाँ पे 12 से 24 घंटे का टाइम लेगा जहाँ की हमारा एडसेंस क्रिएट हो जाएगा। जैसे ही एडसेंस हमारा क्रिएट हो जाएगा तुरंत यहाँ पर रिव्यू में चला जाएगा, यहाँ भी 24 से 48 घंटे लगेंगे, यहाँ भी आपका जो रिव्यू होकर, जो मतलब कि किसी और का वीडियो तो नहीं डाला है, मान लीजिए बहुत से लोग कॉपी पेस्ट करते रहते हैं तो वहाँ पर रिव्यूज कंटेंट आ जाता है, रिपीटेड कंटेंट, रिपीटेटिव कंटेंट आ जाता है, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो ये मैडम अपना ही वीडियो बना रही हैं, अपना ही सही अच्छे से वीडियो बनाकर अपलोड कर रही हैं, तो इनके में कोई दिक्कत नहीं, लगभग 24 से 72 घंटे के अंदर इनका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा और ये यूट्यूब से पैसे कमाने लगेंगे, ठीक है। तो ऐसा अगर आप भी कमाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो देखिएगा चैनल कैसे बनाते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, तो देखिएगा और आगे सीखिएगा से आप भी पैसे कमा सकते हैं जैसे सभी लोग कमा रहे हैं। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा, आप मिलते हैं किसी और वीडियो में, चाहिए वंदे मातरम।